कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। यहां तक कि उन्होंने इलेक्शन कमिटी यानी कि देश की इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था पर भी एक आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबला सुनिश्चित करवाने के लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं होती हैं, यानी कि इलेक्शन कमेटी भी अपना अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के साथ ऑनलाइन संवाद में भी उन्होंने एक बीजेपी के विधायक की कार से ईवीएम मिलने वाली घटना का जिक्र किया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.